अगर आपका भी अमेजन पर कोई भी ऑर्डर रिटर्न हुआ है लेकिन आपका अभी तक पैसा वापस नहीं आया है, यानी रिफंड इनिशिएट अभी तक नहीं हुआ है, और आप चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर का रिफंड कब आएगा, लेट क्यों हो रहा है, कारण क्या हो सकता है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको अमेजन ऐप को ओपन करना है। अमेजन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, थ्री लाइन शो करा हुआ नीचे में आप यहाँ पर देख लेंगे मेन्यू लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद ऊपर करेंगे, ऊपर करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा कस्टमर सर्विस, आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर शो करा होगा इस तरह से आ जाएगा, आपको यहां पर थोड़ी देर वेट करना है। वेट करते ही आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। इसके बाद आपको यहां पर ऊपर करना है, ऊपर करने के बाद यहां पर शो करा होगा टॉक टू अस, आप यहां पर टॉक टू अस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो आपके सामने शो करा होगा ऑर्डर आ चुका है, आप यहाँ पर अपना ऑर्डर का सिलेक्शन करेंगे। आपका ऑर्डर यहाँ पर नहीं शो करता है तो आप सिलेक्ट अनदर ऑर्डर पर क्लिक करके आप यहाँ पर सभी ऑर्डर को देख लेंगे। जिस भी ऑर्डर के बारे में जानना है कि आपका ऑर्डर का रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है, आप यहां पर सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि आपके सामने शो करा होगा लवा ब्लेज 5G फोन है, इस फोन का अभी तक हमारा रिफंड नहीं आया है, ऑर्डर हमारा रिटर्न हो गया है लेकिन पैसा नहीं आया है, मैं जानना चाहता हूं अमेजोन से कि हमारा ऑर्डर का रिफंड कब आएगा, क्या कारण है। चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इस पर क्लिक करता हूं, आपको भी क्लिक कर देना है उस ऑर्डर पर जिस ऑर्डर से आपको जुड़ी हुई समस्या है, आप यहां पर देख लेंगे। इसके बाद आप यहां पर रिफंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो करा होगा बहुत सारे यहां पर आपको इश्यू दे देगा, यानी रीजन पूछ रहा होगा, आप यहां पर रीजन लेंगे। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, माय रिफंड इज डिलेड पर क्लिक करता हूं जो कि यहां पर शो करा होगा, आप भी इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर शो करा होगा जो कि आ जाएगा इस तरह से, आप यहां पर देख लेंगे। इंटरनेट स्लो है इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर लेट है लेकिन आ गया है, आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने शो करा होगा आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखा दिया जाता है जो कि मैं यहाँ पर फिंगर से छिपाया हुआ हूँ। इसके बाद ऊपर में शो करा होगा हिंदी लैंग्वेज होगा जो कि यहाँ पर शो करा होगा इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल मी नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो करा होगा जो कि आपका कॉल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा अमेज़न से। उसके बाद कॉल बैक आ जाएगी, आपको यहां पर थोड़ी देर वेट करना है। वेट करते ही आपके सामने शो करा होगा कॉल आ चुका है, आप यहां पर देख लेंगे। मैं यहां पर रिसीव करता हूं। अमेज़न ग्राहक सेवा में आपका स्वागत है, आपका लावा ब्लेज 5G का ऑर्डर अब वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि वापस करने की अवधि वेंसडे मार्च 1 पर समाप्त हो गई थी। आप अमेज़न पर प्रोडक्ट के विवरण पृष्ठ या फिर योर ऑर्डर सेक्शन पर रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी देख सकते, स्टार दबाएं। अगर आपकी समस्या हल हो गई है तो 1 दबाएं। अगर आपको और मदद की जरूरत है तो 8 दबाएं। आप यहां पर 8 दबाएंगे। प्रतीक्षा समय 1 मिनट से कम है, आप यहां पर थोड़ी देर वेट करेंगे। नमस्कार, सर मैंने लावा ब्लेज 5G फोन को रिटर्न कर दिया लेकिन अभी तक रिफंड नहीं इनिशिएट हुआ है सर, क्या कारण हो सकता है, लेट क्यों है सर? कब रिटर्न किया आपने, जान सकता हूं? सर 2 तारीख को, आज सर 7 तारीख है सर, 7 मार्च चल रहा है। चेक कर लेता हूं मैं, चालू है। ओके सर, कॉल आपका होल्ड कर सकता हूं 2 मिनट के लिए? जी सर, नो इशू। जी सर बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। मैं देख पा रहा हूँ 1 मार्च को आपने रिटर्न क्लिक पे डाली थी। हाँ, तो आपका जो प्रोडक्ट है 2 मार्च को पिकअप हुआ था बट अभी तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है वेयर हाउस में, इसलिए टाइम लग रहा है सर। रिफंड सर वेयर हाउस में आइटम जब पहुंच जाते हैं तब रिफंड होते हैं क्या? हाँ जी सर। तो सर आज 7 तारीख हो गए सर, 2 दिन और बचा हुआ है आपके हिसाब से सर? 2 तारीख बताया गया कि 9 तारीख तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद हम आपका रिफंड कर पाएंगे। हाँ तो सर 9 तारीख के अंदर में हो जाएगा या फिर 10 तारीख हो जाएगा सर? नहीं, उससे पहले तो श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, उसके बाद ही हो पाएगा सर। सर मैं फिर संपर्क करना होगा या ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? आपको संपर्क करना पड़ेगा 10 तारीख को।
ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। तो गाज आपने देखा, मैंने यहाँ पर अमेजोन के कस्टमर केयर से बात किया है, उन्होंने बताया कि आपका ऑर्डर रिटर्न हो गया लेकिन वेयर हाउस नहीं पहुंचा है, इसकी वजह से आपका रिफंड में लेट है। जैसे ही हमारा हमारे पास ये ऑर्डर पहुंचता है वेयर हाउस में, जैसे पहुंचता है तो आपका ऑर्डर का रिफंड इनिशिएट कर दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर वेट करना है। अगर आपका ज़्यादा दिन हो चुका है तो आप अमेजन के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी ऑर्डर के बारे में इशू हो रही है उसे बताएं और आपका ऑर्डर का रिफंड कर दिया जाता है। ऐसे कई बार हुआ है मेरे साथ, मैंने अपने ऑर्डर का रिफंड लिया है और फिर एक बार इस तरह के इशू हो गए हैं। आपको भी इस बार वीडियो बनाकर बता दिया हूँ किस तरह जो है आप अमेजोन के कस्टमर केयर से बात करेंगे ताकि आपका ऑर्डर का रिफंड कैसे और कब मिलेगा और क्या कारण है कि लेट हो गया है, आपने इस वीडियो में जान लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।